टीवी के फेमस शो सीआईडी में फ्रेडरिक का रोल प्ले करने वाले एक्टर दिनेश फडणीस ने दुनिया से अलविदा ले लिया है। 57 साल के दिनेश की तबीयत 1 दिसंबर को खराब हुई थी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। वो पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर थे और आज सुबह वो अपनी जिंदगी की जंग हार गए। दिनेश को दोस्त और सीरियल सीआईडी में दया का रोल प्ले करने वाले एक्टर दयानंद शेट्टी ने इस दुखद खबर को दुनिया के सामने साझा किया। उन्होंने बताया कि दिनेश ने रात 12:08 पर अपनी आखिरी सांस ली है। उनके निधन की खबर से टीवी इंडस्ट्री में एक शोक की लहर दौड़ गई है। बता दें, रविवार सुबह खबर सामने आई थी कि दिनेश फडणीस को हार्ट अटैक आया था। हालांकि दयानंद शेट्टी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि दिनेश को हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि उनका लीवर डैमेज हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उनके एडमिट होने की खबर को सुनकर सीआईडी की पूरी टीम स्टारकास्ट उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंची थी। बात करें एक्टर के करियर की, तो फ्रेडी उर्फ दिनेश फडणीस ने 20 साल तक सीरियल सीआईडी में काम किया था। इसके अलावा वो आमिर खान की फिल्म सरफरोश और ऋतिक रोशन की सुपर 30 में भी काम कर चुके हैं। वेल, आप कितना मिस कर रहे हैं इस हीरो को, हमें बताना ना भूलेगा कमेंट सेक्शन में।